हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित मालवीय एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, फाइनली CSE में जो है आधार की सर्विस को लाइव कर दिया गया है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको जो है आधार अपडेट का काम करना है, और इसके लिए VLE को जो है 50 रुपये तक का UIDAI की तरफ से जो है परमिशन दिया गया है। अगर आप जो है कस्टमर से 30 रुपये भी लेते हैं तो बुरा नहीं है। तो पहले मैं आप लोगों को जो है जो UIDAI की तरफ से कहा गया है आधार अपडेट के बारे में, वो डिटेल को जो है सुनवा देता हूं। उसके बाद हम जो है इस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको जो है अपडेट करना है और आप जो है किस तरह से कस्टमर का आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। सो कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देखने के लिए आपको जो है वीडियो को एंड तक देखना होगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो काम करना चाहता है वो रास्ता ढूंढेगा, जो काम नहीं करना चाहेगा वो, क्योंकि बहाने ढूंढने के लिए रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे बहाना कुछ भी बना दो। तो इस तरह के बहाने बनाए जाते थे, किंतु परंतु हमारे जो DDG सर थे, संजय सवानी जी बोल के गए ना अभी मध्य प्रदेश इंदौर से और में जो घूम के आए, वो इंदौर में गए और इंदौर में जाकर के उन्होंने खड़े होकर के एक दिन काम कराया। और उस दिन जो इंदौर का था वो 300 इनरोलमेंट अपडेट वो दिन में करते थे, 300 इनरोलमेंट अपडेट दिन में, उन्होंने 90 डॉक्यूमेंट अपडेट किए उस दिन। आप ये सोचिए कि वो 300 इनरोलमेंट अपडेट पूरे दिन में वो करते थे, और 90 उन्होंने इनरोलमेंट अपडेट एक दिन में किए, वो भी कब, 11 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे उस दिन सेंटर बंद करना पड़ा क्योंकि भीड़ इतनी हो गई। तो क्या उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई, वही स्ट्रैटेजी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो तब तक हमें भी लगता था शायद नहीं हो सकता, लेकिन जब एक सेंटर में हो गया, अब हम सब पे भी दबाव आया भाई, अब आपके बॉस ही काम करके आ गए तो अब तो करना पड़ेगा। तो फिर दिल्ली सबसे नज़दीक है, दिल्ली वाले ऑपरेशन ASK मैनेजरों को बुलाया गया और उनको बताया गया कि भाई कोटा देख लो, इंदौर छोटी सी जगह है, और इंदौर में 300 में उसने भाई 90 कर दिए। तो 300 में 90 लगाएं तो कितनी एवरेज बनती है, 30 से थोड़ा ऊपर। तो कहने का मतलब यह है कि भाई ये तो 30% कन्वर्जन रेट है, ऐसा कैसे हो सकता। उसके बाद दिल्ली में जो है फिर जो हमारे ASK मैनेजर्स हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स हैं, वो फिर इसके ऊपर बिल्कुल एकदम समस्या उनको समझ आ गई, तरीका भी समझ आ गया, और समस्या का तरीका समझने के बाद वो लग गए। और आज की तारीख में तकरीबन जो है 100-125 हर सेंटर में आता है, और हाईएस्ट एक दिन का 286 है, 286 डॉक्यूमेंट अपडेट इन अ डे, जहाँ पे 16 मशीन की हमारी सेंटर हैं, 16 मशीन वाले सेंटर हैं। तो आई एम शेयरिंग विद दिस यू, आपके साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि ये कर सकते हैं हम, ये सोच बदलने की जरूरत है, हमारे सोच में कमी है, काम में मार्केट में कोई कमी नहीं है, सही जायज काम में। ओके, तो चार भाग हैं इसके, जो डॉक्यूमेंट अपडेट है वो चौथा अपडेट है, उसके पहले तीन भाग और हैं। सबसे पहला भाग होता है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब जो आदमी आपके पास आया है उसको आपने बातचीत करनी है, उसको थोड़ा सा आपने कंफर्टेबल करना है, अब देन एजुकेट, उनको आपने ज्ञान देना है कि भाई ऐसे ऐसे करके, एक सरकार ने अभी ये चला रखी है आधार की तरफ से आई है, जिसमें कि आपका अगर 10 वर्ष से पुराना जो डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने कभी भी अपना कोई भी अपडेट नहीं कराया, तो अवश्य आप इसको अपडेट कराएं। ठीक, जब आप एजुकेट करोगे तभी समस्या, वो पूछे भाई इससे मुझे फ़ायदा क्या है, पहले तो पूछेगा ना फ्री है क्या, फ्री में मांगते ना इंडिया है, तो फ्री आप बैंक में जाते हैं, हमारा EKYC होता है हर एक दो साल में, होता है कि नहीं होता, फ्री होता है वो, वैसे फ्री होता है, लेकिन बैंक आपसे एनुअल चार्जेस लेता है, सालाना चार्ज भी लेता है ना बैंक, तो जब वो हर दो साल में कर सकता है, अगर हम 10 साल में करने को कह रहे हैं तो क्या गलत है। उसका लाभ लेकिन किसको है, उसी निवासी को लाभ है, उनको फिर मोटिवेट करना है, मोटिवेट करने का काम भी हमारा कि कुछ नहीं है, 50 रुपीज चार्जेस हैं और आपका आगे का लाइफ आसान हो गया। अगर कहीं पर आपको कोई समस्या आएगी, अभी धीरे धीरे क्या है, हर चीज़ ऑथेंटिकेट होना शुरू हो रहा है, आधार जो है ऑथेंटिकेशन की ओर जा रहा है कि जो भी आपको सब्सिडी मिलेगी उसके लिए ऑथेंटिकेशन विल बी कंपल्सरी। तो जब आपका कंपल्सरी हो जाएगा, आपका डाटा मिसमैच ना हो जाए, सबसे ज़्यादा जो है लोग जो आधार का लाभ उठाते हैं वो लोग अवश्य आपसे करवाएंगे। मुझे विश्वास है, बल्कि उम्मीद ही नहीं, कि डॉक्यूमेंट अपडेट जो इसको एक बहुत बड़ा, जैसे आप फील्ड में जाने वाले हैं, आप 500 लोग कब जा रहे हैं, कल, मतलब कल परसों से जो एकदम से हमारे सिस्टम के ऊपर ओवरलोड कर दोगे आप लोग, है ना, इतना काम आने वाला, इतना काम आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने वाले हैं, इस नॉलेज को जो आपने यहाँ ग्रहण करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, अपने तक मत रखिएगा, कृपया पास इट ऑन, 2-3-4 लोगों को अवश्य दें, उन 2-3-4 को बोलो आगे 2-3-4 को दें। चेन सिस्टम सुना है ना, कौन सी पिक्चर में था,
तो कृपया चेन बनाएं और इसको जो एक मतलब फील्ड में हमें दिखना चाहिए कि अभी हर रोज में जो एकदम से जो हमने ट्रेनिंग यहाँ पे यूआईडी और सीएससी की पार्टनरशिप में आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है, जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसका आप संपूर्ण लाभ उठाएं। तो ये मैं आशा कर सकता हूँ आप सबसे। ये ऊपर वाले कुछ नहीं बोल रहे, वो लंच के वो पहले देख रहे, पीछे हम उतरेंगे। तो आप करेंगे ये काम अभी? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, जैसे कि आपने जो है सारी चीजें सुन ली और समझ ली, ठीक है ना, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, कस्टमर को अवेयर करना है कि आपको जो है आपके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपडेट कराना होगा। क्योंकि जब भी हमने आधार कार्ड बनाया था तो हमने आधार कार्ड में प्रूफ ऑफ एड्रेस के और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट को नहीं दिया है, तो आपको जो है इन दोनों डॉक्यूमेंट को अपडेट कराना होगा। उन सभी को जो है ये काम कराना मैंडेटरी किया गया है यूआईडीआई की तरफ से। अब दोस्तों, डॉक्यूमेंट अपडेट कैसे करना है, इस पर मेरे चैनल पर काफी सारे वीडियोज हैं, तो मैं उन वीडियोज को जो है एंड स्क्रीन में भी चला दूंगा। तो उस प्रोसेस के माध्यम से आप जो है कस्टमर का डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए आप जो है कस्टमर को यहां पर ₹50 तक का चार्ज भी कर सकते हैं। अभी तक तो मैं ये बात अगर खुद से बोलता तो आप कहते कि यार मैं आप लोगों को गुमराह कर रहा हूं, ये सीएससी का काम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप जो है एज अ सीएससी वीएलई अपने आसपास के लोगों का, जितने भी आपके कस्टमर आते हैं, उनको आप जो है डॉक्यूमेंट अपडेट के बारे में अवेयर कर सकते हैं और उनका डॉक्यूमेंट अपडेशन का काम आप जो है कर सकते हैं। वैसे तो बंदा खुद से भी कर सकता है ये काम, लेकिन हर कोई व्यक्ति जो है हर चीज में जो है सक्षम नहीं होता है। जो जैसे कि हम जो काम करते हैं उसमें हम माहिर हैं, तो वो काम हम जो है ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, कौन से डॉक्यूमेंट को किस तरह से स्कैन करना है, तो अगर आप जो है सीएससी वीएलई है तो आपके पास में सारी फैसिलिटी होगी। आप जो है कस्टमर का डॉक्यूमेंट अच्छे से स्कैन कर पाएंगे, आप जो है कस्टमर का डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड कर पाएंगे, प्रोसेस आपको पता है, इजीली आप कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है कस्टमर का डॉक्यूमेंट अपडेशन का काम यहां पे कर सकते हैं और अच्छा कमीशन अर्न कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको जो प्रॉपर गाइडेंस मिल गया होगा। फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।